जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित महात्मा गांधी स्मृति वाटिका में जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया। हाथरस प्रकरण पर किए गए शांतिपूर्ण सत्याग्रह में जिला भर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में युवती से धरंदगी और हत्या करने, युवती का शव रात को जलाने के विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तर पर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सत्याग्रह में 2 मिनट का मौन रखकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कुछ देर तक कांग्रेस नेता तथा पदाधिकारी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन लगाकर भी बैठे रहे। इस दौरान AICC के सचिव सुधीर शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन, नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी, कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया, पूर्व विधायक किशोरी लाल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि हाथरस प्रकरण को लेकर पूरे देश में रोष है। हाथरस में जिस तरह से 19 वर्षीय युवती से दरिंदगी हुई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, यही नहीं बेटी का शव परिवार वालों को भी नहीं दिया गया, जबकि परिवार वाले हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका संस्कार करना चाहते थे। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रोका गया। पंजाब व राजस्थान में जहाँ भी ऐसा हुआ है, वहाँ भी ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज का जो प्रदर्शन है, ये हाथरस में जो हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक कांग्रेस पार्टी ने आज फैसला लिया था कि सत्याग्रह, साइलेंट सत्याग्रह करना है। और ये हम जो वो फैमिली है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, और उसके साथ हम खड़े हैं। और ये पहली बार हुआ है जो मतलब एक 19 साल की लड़की के साथ जिंदगी हुई है, और सरकार वो सारे अफसर जो हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो बॉडी है हिंदू, मतलब जो रीति रिवाज है, उससे भी उनको वंचित किया गया, रात को जला दिया गया। ये कैसी मतलब सरकार है, और ये क्या बताना चाहते हैं? एक तरफ मतलब हर जगह कहते हैं कि हम बेटी बचाओ और लेडीज़ का सम्मान करना चाहते हैं, और ये जो ये इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया है, उसके लिए हर जगह जो है मतलब इन्होंने मतलब किसी भी ढंग का उनको वो देने की मतलब सुरक्षा देने की मतलब कोशिश नहीं की। और जहाँ पे हमारे अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी यूपी की, वो भी गए, उनको भी रोका गया। और साथ में उसी जगह 144 लगी हुई है, कल वहाँ पर मीटिंग हो रही है, इनको 5 बंदों की जाने की इजाज़त दी है। ये हिंदुस्तान जा किस तरफ रहा है, ये बताना क्या चाहते हैं ये? और मतलब सबसे बड़ी बात है, 1:30 रात को एक जो बॉडी है उसको जला दिया जाता है, जब फैमिली कह रही है कि हमने रीति रिवाज से इसका संस्कार करना है। ये बहुत बहुत दुख की बात है।